अरे सब काम तो हो गए पर नगर द्वार का मैं अभी तक ले खबर नहीं पहुंचा। राजा दुर्धानी अपन भवन में बैठे रहे, देख के चारों तरफ सेना मल्ला कहे कि सब तो सही में आ गए हैं, पर एक रूपति द्वारका नाथ ले खबर दे गए नहीं। तो आप एक काम करो, आज ही निकल जाओ और न्योता देके बलराम कृष्ण ने आ जाओ। तो राजा दुर्धन चल चल कर घोड़ा ले सजावे, घोड़ा रथ में बैठकर बेग रथ दौड़ाते हुए द्वारका में जा पहुंचे तो सही। पर श्री कृष्ण जी राजा दुर्धन ले आते हुए देख के और चादर तान सो गए। और वो देखी तो कहते कि नहीं यार सोए हैं, सोए नींद जगाना ठीक नहीं, ये की के आगू डर कुर्सी रही तेला खींच के पाछे में रख दी, मतलब मुड़ सरियत सिराना तरफ सिराना तरफ। अब अपन गोल हिलावत राजा द्रोधन बैठे अच्छा, और वो तरफ ले बालधारी अर्जुन रथ घोड़ा कुदाते बड़ा प्यार के साथ पहुंची और जाके रुक्मणी ले पूछने लगे, दीदी कन्हैया है कहाँ? सोहे अंदर में सोहे। सुन के राजा द्रोधन पहली के बैठे हवा और ये तरफ बालधारी अर्जुन जब पहुंचे जाके पैर के नीचे अर्जुन बैठी से कका और मार अटियावा श्री कृष्ण जी उठ भोला ला पूछे पार्वती वो ठकला पूछे पार्वती जागे हो आपे के दर्शन पाए। तो राजा दुर्धन बगल में पाछू तरफ बैठे रहे मुरसरिया में। ओ कहते ए कन्हैया, तब भगवान लहूट के देख के कहते गुरुपति तो हूँ आए हैं। मैं कब के आके बैठे हूँ? अच्छा समझ गए ना, वो अब भी आए मोला करीब करीब एक घंटा हो गई। अच्छा और ओला कब के आए हैं सरजून, कैसे आए हैं सरजून? वाह मैं बैठी तो नहीं दिखाते, तो मैं पाछू रहा मोरू आखी नहीं है भैया, आगू रहा राखी है अर्जुन।